अम्बाला कैंट में देर रात किंग पैलेस की दीवार झुग्गियों पर जा गिरी, जिस वजह से झुग्गी के रहने वाले 43 साल के तस्लीम, 22 साल के बालास्वामी, 12 साल के अमित, 7 साल के सुजीत और बाबू समेत 5 की मौत हो गई। इस हादसे में एक घायल छोटी बच्ची को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। फिलहाल पूरे हादसे को लेकर माना जा रहा है कि पैलेस की दीवार कमजोर होने की वजह साथ बन रही सरकारी पार्किंग है, जिसकी वजह से दीवार कमजोर हो गई और देर रात गिर गई। जिस परिवार के साथ यह हादसा हुआ उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सभी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। हमने मौके पर प्रत्यक्ष दर्शियों से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने हमें बताया ये आप उन्हीं से सुन लीजिए। यहाँ रात के 9:15 पे दीवार गिरी, उसके बाद सारे खींचने खींचने में लग गए, उसके बाद 9:30 यहाँ से ले गए, 15 मिनट के अंदर उनको ले गए, दो में आई, पांच बंदे मरे और एक छोटी लड़की है और उसकी माँ है, वो पीजीआई गई और बाकी हॉस्पिटल में। जो आवाज आई तो बाहर आप देखे तो हम लोग को नहीं मालूम था, एक लेडीज आई तो वो बोली कि ऐसा दीवार गिर गया, वो अपना लड़का भी उसका इसी में था ना, तो उसको जो ढूंढने के लिए आई तो देखे ये भी लड़का, मतलब इसी लड़के को हमने लास्ट में निकाला, मतलब यहाँ से इसमें जी 5 दब्बे हुए थे, 5 हाँ जी, मतलब कि साथ ही साथ सब एक्सपायर यहीं साथ साथ हो गए जी। हादसे की सूचना मिलते ही देर रात कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कांग्रेस प्रत्याशी वेणु अग्रवाल व आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। बहरहाल इस मामले में मौके पर पहुंचे अनिल विज ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नहीं, पहले इसकी जांच कराई जाएगी कि ये दीवार गिरी कैसे है और किसकी दीवार थी और क्या कारण हुआ इसका गिरने का, और दूसरा जो भी सरकार की तरफ से बनता है सरकार करेगी उसका मैं।